मिश्री वामन जी पगाड़े दे। एक मिनट, ये हमारे प्रभाग तीन के बहुत बढ़िया उम्मीदवार श्री वामन राव जी पगाड़े, हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अपने दो शब्द कहेंगे। मी देसाईगंज वर्षा प्रभाग तीन मधून क मधून अपक्ष उमेदवार उभा आहे आणि मला लोकांचं सगळ्यांचं सहकार्य आहे आणि मला स्वतःवरती एवढं कॉम्पिटिशन आहे की मी निवडूनच येणार, कारण की माझ्याकडे त्यांचे राशनचे काम आहे, स्वस्त धान्य दुकान आहे आणि मी सगळ्यांसोबत प्रेमानेच वागतो आणि मी सत्यवादी असून कोणासोबतही असं वाईट वागत नाही, त्याच्यामुळे मला स्वतःवरती खूप विश्वास आहे की मी निवडूनच येणार। अभी आप ये बताइए, आप प्रभाग तीन के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? अपने से जो कुछ बनता है वो कुछ अपन करेंगे, लेकिन लोगों की तकलीफ एक भी अपने पास तक आने नहीं देंगे। और जैसा सेठ के बारे में आपका क्या कहना है? अपने को सेठ लोगों से कुछ भी कहना नहीं है, उन्होंने आज तक तो विकास नहीं किए, वो सिर्फ कहने की बातें बोलते हैं लेकिन आज तक तो कुछ किए नहीं है, सिर्फ वो खुद का काम करते हैं। आपके जीत के बारे में निश्चिंत हैं? हाँ, मैं अपनी जीत के ऊपर निश्चिंत हूँ। आप श्योरली 100% जीत के आएंगे? हाँ, श्योरली 100% जीत के आऊँगा। आप ये बात काय पर से कह रहे हो? मैं अपने लोगों के विश्वास के ऊपर से कह रहा हूँ। सभी लोग मेरे को यही बोल रहे कि हमारे वार्ड दोनों वार्ड छोड़ दे, गांधी वार्ड और वीरश वार्ड छोड़ दे, भले ही तो उधर प्रचार करे, हमारे इधर नहीं भी आएगा तो भी हम तेरे को वोट देना ही देना है, हमारे तरफ नहीं आए तो भी चलेगा। मैं पांच गाड़ी सिर्फ घुमाऊँ तो वहाँ के लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। यानी प्रभाग तीन से आप मुख्य दावेदार हो? हाँ। और मोती सेठ कुकरेजा, जैसा सेठ, जमाल सेठ, शहजाद भाई, ये सब आपके पीछे रहेंगे? उनका अपन कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो उनका नसीब की बात है और बाकी वो उनके ऊपर डिपेंड है। आप जीत के आओगे? पक्का पक्का जीत के आएंगे। और आप वर्षा के विकास के लिए क्या करोगे? अपन जान लगा देंगे अपनी, जो भी बोलेगा अपन किसी की बातें सुनेंगे नहीं, या कोई अपने को पीछे में कुछ भी बोले ये अपने को बर्दाश्त होता नहीं। नहीं नहीं, आप विकास के लिए क्या क्या करोगे वर्षा में, क्या क्या लाओगे? विकास के लिए अपने पास जितनी सुविधा आती है उतनी सुविधा अपन देंगे। कौन सी सुविधा? घरकुल है, प्राथमिक सुविधा है, स्कूल नहीं है बराबर, कॉलेज नहीं है बराबर, वो सब कुछ अपन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।